हेलो माय फ्रेंड्स मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में दुर्प्राह के अंदर ये बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग यूज़र डेफिनेट यूज़र डेफिनेट यूज़र किस तरह क्रिएट कर सकते हैं किस तरह से पूरे यूज़र सिस्टम बना सकते हैं समझे आपको जैसे कि मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं या कोई भी सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना डेफिनेटली एक पूरा फॉर्म भरते हैं उसके बाद क्या होता है आपको आईडी मिलती है डेफिनेटली और एक पासवर्ड मिलता है तो जब भी आप उस वेबसाइट के अंदर जाना चाहते हैं तो आप पहले पासवर्ड देते हैं उसके बाद डेफिनेटली उसके बाद आईडी डी देते हैं समझ जाए है? दोनों एक साथ देते हैं उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली क्या होता है आप अपनी वेबसाइट पर यानी कि किसी और की वेबसाइट पर भी हो सकता है आप आ जाते हैं समझ जाए है आपको तो बेसिकली वही काम अब यहाँ पर करने जा रहे हैं अगर हम बात करें रियल लाइफ के अंदर तो बेसिकली वो पी एच पी कोड होता है माई एस क्यू एल और बेसिकली डेटाबेस का लिंक होता है और नहीं नहीं तो वीडियो कम से कम चार से पांच वीडियोस है उसके अंदर मगर डेफिनेटली हम दुरपा करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको कोई भी एक पर्सन भी या एक भी आपको पी एच पी कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डेफिनेटली बातें हम बहुत कर ली हैं तो डेफिनेटली अब हम काम भी कर लेते हैं तो मैं क्या करूँगा डेफिनेटली आउट पर क्लिक कर दूँगा तो डेफिनेटली मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ आउट और डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ डेफिनेटली सही तो अब देख सकते हैं मैंने लॉग आउट कर दिया तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आ गया एक ब्लॉग आ गया यहाँ पे जिसमें यहाँ पे मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है जैसे हमारे पास आम होता है तो अगर मैं एडमिन हूँ तो बेसिकली मैं क्या करूँ यहाँ पे नवीन लिखूँगा और यहाँ पासवर्ड लिख दूंगा जो है मेरा वह वन टू थ्री लॉग इन करूँगा और बेसिकली आप क्या क्या हो जाएगा बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो सब चीज़ें मेरे पास ओपन हो जाएगी समझ जाए आपको मगर बेसिकली आप तो आपके पास ये चीज़ नज़र नहीं आती आपको तो वेबसाइट इस नज़र आएगी अब आप एक नए यूज़र हैं तो आपको डेफिनेट एक अकाउंट बनाना होगा अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जिसका नाम है क्रिएट न्यू अकाउंट तो उस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है पहला ऑप्शन हमारे पास क्रिएट न्यू अकाउंट लॉग इन और रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड तो क्रिएट न्यू अकाउंट यानी कि अगर आप मेरी वेबसाइट पर नहीं, नहीं आए फॉर एग्जाम्पल सही तो आप डेफिनेट पहले अकाउंट बनाएंगे या अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है जैसे मेरा बना हुआ है तो वैसे मैं लॉगिन पर करूँगा अगर मेरे पास मेरा पासवर्ड था फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी वेबसाइट के एक यूज़र हैं और क्या हुआ गलती से आपने आ, अपना पासवर्ड भूल गए तो अब आप अपनी आईडी का पासवर्ड मांगने की क्या करेंगे रिक्वेस्ट यूँ पासवर्ड यानी कि मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे अपना डेफिनेटली ई मेल या डेफिनेटली यूज़र नेम लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना वापस पासवर्ड किस तरह ले सकें हम लोग करते हैं तो उस वेबसाइट में होता है तो बैसेकते बातें हमने डेफिनेटली इन दोनों चीज़ कर ली है मगर ये अभी कुछ खास काम की तो नहीं है आपके लिए खास का सही तो क्या करना होगा आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कोई यूज़र नेम देना होगा तो मैं यहाँ कहता हूँ नवीद आ, नवीद प्लेस नवीद प्लेस डेफिनेट मैंने यहाँ यूजर नेम दे दिया और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी तो मैंने यहाँ पे कहा कि आप डेफिनेटली ये मेरी ईमेल आई है और इस पर क्रिएट न्यू अकाउंट तो ये कह रहा है कि द ई एड्रेस ये मेरे जो इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो डेफिनेट ये कह रहा है कि आपने जो ईमेल दिया है वो अब मैंने ले लिया डेफिनेटली पहले मैंने दिया था तो डेफिनेटली ये कह रहा है कि पहले से मौजूद है तो मैं फिलहाल अभी ऐसा करता सही ना तो अभी कुछ भी एफ जी एफ जी कुछ भी आपका ई मेल वो डी वीजिएगा क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो वैसे भी आप देख सकते हैं अभी वो काम कर रहा है डेफिनेटली और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है कि इसको आप छोड़ दो सही ना उसको हमारे पास आ रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर एन अकाउंट योर अकाउंट इज करेंटली पेंडिंग अवेलेब अप्रूवल बाय यानी कि आपने जो अकाउंट बनाया तो डेफिनेटली Uh, जो अभी क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप्रूव करेंगे बाकी जो इन्फॉर्मेशन यानी कि पासवर्ड वासवर्ड जो भी होगा वो आपको बता देंगे समझ जाए आपको तो अगर आपके रियल वेबसाइट है या अगर मैं अभी तो देखिए मैं लोकली चला रहा हूँ सही ना तो अगर ये वेबसाइट रियल में चल रही होती मैं नवी प्रेस डॉट कॉम पर चल रही होती तो बेसिकली क्या होता है ये जाता डेफिनेटली जिसने ईमेल दिया है उस पर तब तो जाता समझ जाए आपको अब मैं क्या करूँगा बेसिकली मैं यहाँ पे एक डेफिनेटली मैं अपना जो हमारे पास Uh, मेरा जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो डालूंगा डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर का और मैं चलूँगा पीपल के अंदर फिनेटली उसमें जाऊँगा जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या है मेरे पास यहाँ पर देखें अभी जो मैंने नहीं नवीद प्लेस बनाया था तो बेसिकली जो भी जब भी मेरे पास कोई यूजर नेम बनाएगा डेफिनेटली कोई भी मैं अकाउंट बनाएगा तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो बेसिकली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा समझ जाए आपको तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नवी प्लेस लिखा है और स्ट्रेटस क्या ब्लॉक है यानी कि अभी बना है और ये क्या ब्लॉक है मैं आपको बताऊँ किस तरह से हम लोग पासवर्ड और सब ये जनजर खत्म करके उन उसको यूज़र को दे सकते हैं मैं बात बताऊँगा सही ना तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ देखा स्टेटस का दिखाया ये ब्लॉक यानी कि अभी ये इस्तेमाल नहीं करे यानी कि अभी बिल्कुल नया नया है और इस पर कुछ भी काम नहीं हो सकता समझ आए आपको तो अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास है अपडेट ऑप्शन तो उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ड्रॉप डाउन देगा पहला हमारे पास है अनलॉक द द, द सेलेक्टेड यूज़र यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पचास लोग हैं अब पचास लोग को एक्टिवेट करने के लिए मैं अंदर जाकर थोड़ी करूँगा सही ना तो मैं चेक करूँगा अब फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट के अंदर सौ लोग रोज़ अकाउंट बनाते हैं या पचास या पाँच सौ या हज़ार तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा डेफिनेटली सबको चेक कर दूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा अनलॉक डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक तो अनलॉक क्या करेगा बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दूंगा तो अब क्यों आप देखेंगे डेफिनेटली अब मेरे पास क्या होगा अपडेट होगा एक्टिवेट होगा समझ जाए आपको तो बेसिकली अगर मुझे अनलॉक करना है ब्लॉक है बंद कर देगा कैंसिल फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो मेरी वेबसाइट पे बार बार अकाउंट बनाता है तंग करता है अब मुझे उसको नहीं पाना है तो मैं ये रहूँगा डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसके कैंसिल कर दूँगा या अगर मेरे पास कोई यूज अगर मैं इसको एडमिनिस्टर बनाना चाहता हूँ तो डेफिनेट चेक कर दूंगा और यहाँ पर एडमिनिस्टर यानी ऑनर कर दूँगा समझ जाए वैसे रिमूव अ रोल फ्राम द सेलेक्टेड यूजर डेफिनेटली रिमूव अ रोल फ्राम द सेलेक्ट डेफिनेटली ये अगर रोल्स अगर रिमूव करना चाहे वो भी यहाँ पे कर सकते हैं समझ जाए आपको उसके बाद आप यहाँ परेशान हो रहे होंगे भाई ये क्या चीज़ है भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कहा कि भाई मेरे पास पचास लोग आते हैं अब पचास लोग के डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पर यूजर नेम सब लिखा होगा तो बेसिकली अगर मुझे किसी को सर्च करना है यहाँ पर फिल्टर लगाना है फिल्टर क्या होता है जैसे हमारे घर का पानी नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं फिल्टर में लगा दें तो क्या होता है वो जरासीम या जो भी सब चीज़ होता है उसको साफ़ करता है समझ समझे आपको इसी तरह से अगर हमारे पास कोई फालतू बहुत सारी चीज़ें हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे इसके ज़रिए हम कर सकते हैं जैसे हमारी तीन चीज़ें रोल परमिशन और स्टेटस तो डेफिनेटली रोल में बताता हूँ क्या है परमिशन में बताऊँगा स्टेटस बताऊँगा मैं अभी आपको इस्तेमाल समझ आगे मैं क्लिक मैं करूँगा तो बेसिकली मैं कहता हूँ एनीमिस कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे रोज़ पचास की डेफिनेटली पचास लोग सौ लोग आते हैं तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि यार आ, आ, गलती से मैं आ, आ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है क्योंकि ये मेरा अकाउंट है उस पर कुछ ना हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या अगर फिल्टर कर करूँगा एनी कर दूँगा तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जो भी होंगे वैसे नजर आएगा समझ आएगा मैं एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ फिल्टर करता हूँ अब देखें तो एड दिखा रहा यूज़र नेम नवीद एक्टिव है और कौन है हमारे पास रोल किया है हमारे पास एडमिनिस्ट्रटर समझ जाए आपको इसी तरह से अगर मैं परमिशन के हिसाब से कराना चाहूँ भाई कौन परमिशन कौन बंदा स्टेटस यानी कि एक्टिवेट हो ब्लॉक में कहता हूँ जितने ब्लॉक हो उनको दिखा दो यानी कि जो ब्लॉक दिखाते पहले हमारे पास या जो एक्टिवेट है वो दिखा दो डेफरेंट वो भी यहाँ पे कर सकते हैं समझ आए है? रीसेट कर दूंगा तो वापस इस तरह से हो जाएगा उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एड न्यू यूज़र यानी कि अगर हम खुद अपना यूज़र बनाना चाहते हैं यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एडमिनिस्ट्रेटर बाहर एडमिनिस्ट्रेटर में किसी और का अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो बेसिकली मुझे वहाँ पर जाने की जरूरत ही मैं यहाँ पर बना सकता हूँ समझ जाकर मगर उससे पहले वहाँ पर जाए मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर आऊँगा और यहाँ एडिट कर दूँगा जिसे मैं एडिट करूँगा बेसिकली क्या होगा हमारे पास यहाँ पर पे एक पेज आ पे जाएगा सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये यह यूज़र है फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र है सही ना तो पेपर में जाऊँगा और ये यूज़र है सही ना तो इस यूज़र का डेफिनेट पूरी हिस्ट्री सब मेरे पास समझ समझा यानी कि मेरे पास हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास उस यूज़र का नाम है उस यूज़र का ई मेल है उस यूज़र का पासवर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पासवर्ड बनाना चाहता हूँ मैंने वन टू थ्री लिखा और मैंने कहा वन टू थ्री तो वैसे बेसिकली अगर मैं यूज़र का पासवर्ड बनाना चाहता हूँ डेफिनेटली यहाँ पासवर्ड बना सकता हूँ उसका स्टेट यानी ब्लॉक या करना चाहता हूँ यानी कि ऑथेंटिक और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई बेसिकली ये ये एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए तो बेसिकली इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता यानी कि मैं इसको मालिक बना सकता हूँ वेबसाइट का समझ आपको उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस जो हमारे पास Uh, जो हमारे पास क्या कहते है? uh, हैं क्या कहते हैं सो डेफिनेटली ये हमारे पास यूज़र है उसका अगर पिक्चर अपलोड करना चाहूँ डेफिनेट वो भी कर सकता हूँ उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली पर्सनल डेफिनेटली ये क्या होगा डेफिनेटली वो भी करेंगे हमारे पास तो बेसिकली यह क्या होगा जब भी हम किसी uh, करेंगे ना फॉर एग्जांपल किसी uh, कोई पेज पे जाएंगे तो हमारा यूज़र नेम सब आएगा समझ जाए आपको तो बेसिकली ये हमारे पास ऑप्शन है इसका टाइम जोन मैंने सेफ कर दिया और रिमेंबर कर दिया तो बेसिकली अब मेरे पास क्या है अब इस यूज़र के पास पासवर्ड भी है और नाम है तो चला के देखेंगे हम लोग तो मैं लॉग आउट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नाम तो नाम तो क्या था नवीद प्लेस ना तो नाम तो हमारे पास नवीद और नवीद प्लेस और पासवर्ड क्या था मैंने कहा वन टू थ्री लॉग इन करता हूँ आप देख सकते हैं कि मैं बेसिकली एक आम यूज़र के डेफ में हिस्से से यहाँ पर आ गया हूँ मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन और जो ऊपर ऑप्शन है वो नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे क्योंकि बेसिकली क्योंकि वो बेसिकली एड यानी ऑनर के लिए समझ जाए आपको मैं लॉग आउट करूँगा और बेसिकली जो ऑनर की डेफिनेट मेरी वेब डेफिनेट नाम है डेफिनेट उसके यूज़र ने पासवर्ड ऑल करूँगा डेफिनेट मेरे पास यहाँ समझ आएगा समझ जाए आपको पीपल में वापस जाऊँगा और बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन देगा जिसका नाम है ऐड यूज़र तो वो मैं आपको बताता हूँ सही ना परेशान तो नहीं हो रहे ना आप लोग डेफिनेटली देखें डेफिनेट दो चीज दो चीज़ें बताना चाहूँगा आपको क्या बेसिकली जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो तकरीबा रात को बनती हैं तो कभी सुबह छः बजे बनती हैं कभी सुबह चार बजे बनती हैं और भी सोने का टाइम हो रहा है और जो भी हो रहे हैं एक बज के चालीस मिनट होने वाले हैं जो रात के तो बेसिकली मैं भी थका हुआ हूँ मगर बेसिकली आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो आप भी मेरे साथ तो जरूर है सही ना तो अभी मैं आपको बता रहा था एड यूज़र के बारे में सही ना तो मैं 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 बेसिकली एड यूज़र पर क्लिक करूँगा उसके बाद बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एड यूज़र डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर मैंने बताया ना डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एडिट के अंदर आता हूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर क्या है कोई भी यूज़र है उसका पासवर्ड वासवर्ड यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ समझ जाए आपको मगर अगर मैं बात से एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी और का अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ एड यूज़र पर क्लिक करूँगा वही ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं जो पहले हमारे पास थे यूज़र नेम पासवर्ड सब चीज़ें समझ जाए आपको यहाँ पर एक और चीज़ आ गई जिसका नाम है रूल्स रूल्स है यानी कि रूल्स हमारे पास क्या है ऑथेंटिक यानी कि ऑथेंटिकटिड आथर, यानी कि हमारे पास वो यूज़र जिसमें जिसने हमारे वेबसाइट के अंदर जो हमारे पास यूज़र नेम उसका आई डी यानी अकाउंट बनाया को और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ऑनर और यूनिफाई मोटी क्या होता है नोटिफाई यूज़र ऑफ न्यू अकाउंट यानी कि अगर मैं जो ये न्यू यूज़र बना रहा हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि मेरे पास इसके पास भी क्या होगा नोटिफिकेशन जाएगी और मेरे पास भी आएगी समझ जाए आपका तो क्लोज़ करता हूँ डेफिनेटली अगर आपको बातचीत अगर एडमिनिस्ट्रेट किसी अकाउंट बनाना हो तो डेफिनेट हम यहाँ पर बना सकते हैं समझ जाए आपको लास्ट जो चीज़ें रहती हैं वो ये हमारे पास ये हैं कि बेसिकली हमारे पास है परमिशंस तो डेफ़िनेटली हम लोग परमिशनस uh, और डेफिनेटली हमारा कॉन्फिग्रेशन है उसके अंदर हमारे पास अकाउंट सेटिंग है डेफिनेटली उसके अंदर जो चीज़ें हैं बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीखेंगे समझ जाए आ तो डेफिनेटली ये जो दो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले लेचर बढ़ाऊँगा उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली अभी आपने देखा होगा बहुत बहुत जनरेट थी कोई हमारे वेबसाइट पर अकाउंट बनाता है तो बेसिकली अगर हमें इसको क्योंकि अगर रियल वेबसाइट होती तो बेसिकली मुझे ईमेल आता और मैं उसको डेफिनेटली पासवर्ड सब दे सकता समझ को तो वैसे ईमेल आता तो उसको क्लिक करता तो बेसिकली हमारे पास पासवर्ड लगा सकता मगर वैसे कि ये बड़ी मगजमारी रही तो है डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे ये चीज़ सारी ख़त्म करेंगे डेफिनेटली किसी का अकाउंट डिलीट करना हो क्या करना हो तो वैसे सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर तो आपसे अगले में मुलाकात होगी टल तो दैन हाफिज़